जैसा कल हम लोग ने डिस्कस किया कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं और प्रोग्रामिंग करने से हम लोग क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, तो उसका कोई एक पैटर्न होगा, ठीक है, पैटर्न होगा, या फिर हम लोग उसको ग्रामर बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रामर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग को प्रोग्राम लिखनी होती है, ठीक है। जो भी हम लोग प्रोग्राम में लिखेंगे एज ए इंस्ट्रक्शन, वो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, कंप्यूटर में लगा होता है प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर पे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और वहां से कुछ ना कुछ हम लोग को आउटपुट देगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, हम लोग सी प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस टाइप का हेडर फाइल्स, एश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और एक हेडर फाइल हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड कॉन io.h, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं दो हेडर फाइल्स, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल्स। इसको हम लोग बोलते हैं हेडर फाइल्स, ओके। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेन फंक्शन, हम लोग लिखते हैं void main, ठीक है, इस टाइप को फंक्शन ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हेडर फाइल्स होंगी, यहाँ पे लिखे हैं हम लोग stdio.h। stdio.h मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। std मतलब होता है स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट, o मतलब आउटपुट, इसी से बना हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। ठीक है, stdio डॉट मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। देन उसके बाद एक और हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कॉन io.h, ठीक है, कॉन io.h, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट, con मतलब होता है कंसोल, i मतलब होता है इनपुट, o मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। कंसोल स्क्रीन हमने देखा था, प्रोसेस रन करके देखा तो हमने देखा एक ब्लैक कलर का स्क्रीन था, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, ठीक है। तो हम लोग को अगर वो कंसोल स्क्रीन लेके आना है तो हम लोग को कॉन io.h एक लाइब्रेरी फाइल है, एक हेडर फाइल है, उसको यहाँ पे अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल से रिलेटेड जितनी भी इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, जो भी हम लोग कंसोल से लेते हैं वो सब कॉन io.h के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। और बाकी अब उसके अंदर से कौन सी वैल्यू इनपुट लेना है, कौन सी वैल्यू इनपुट, कौन सी वैल्यू आउटपुट देना है, वो सारा यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट देखता है। तो हम लोग के पास दो इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल्स होती हैं, इसको हम लोग हमेशा फर्स्ट लाइन पे लिखेंगे, ओके। देन इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे void main, ये होता है मेन फंक्शन। यहाँ पे जो void main हम लोग लिखे हैं ये होता है मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन क्या करता है, ये मान के चलो एंट्री पॉइंट है, ये क्या है, एंट्री पॉइंट है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है, प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है,
कि एग्जीक्यूशन यहाँ से चालू होगा और इस ब्रैकेट के पहले खत्म हो जाएगा, मीन्स ये बाउंड्री वॉल है मान के चलो, जैसे घर का बाउंड्री वॉल होता है वैसे एक बाउंड्री वॉल है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग को लिखना है और सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट कहाँ पे होते हैं, प्रोसेसर में, प्रोसेसर में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, वहां पे जाके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और यहाँ से हम लोग को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसका यही तरीका होता है लिखने का, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग इस मेन के अंदर के स्टेटमेंट्स को चेंज करेंगे और उसी से ही हम लोग अलग अलग प्रोग्राम बनाते जाएंगे। turbocad.com हमारे पास एक यस सर, वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट में हम लोग को मोबाइल ऐप भी मिल जाता है और साथ में हम लोग को कंप्यूटर के लिए भी मिल जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से खुलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो टर्बो सी डेड करके हम लोग दिखेगा, ठीक है। टर्बो सी सी प्लस प्लस फॉर एंड्रॉयड APK, ठीक है। यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहाँ से भी प्ले स्टोर से भी हम लोग को मिल जाता है मोबाइल के लिए, ठीक है। अगर हम लोग को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, अगर लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टर्बो सी सी प्लस प्लस ऑन विंडोज 10, ठीक है। विंडोज 10 लिखा जरूर है, ठीक है। 7 में भी चल जाएगा, 8 में भी चल जाएगा, 8.1 में भी चल जाएगा, ठीक है, सभी विंडोज में चल जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस प्रकार का स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे नीचे हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिखेगा स्टेप नंबर 1, ठीक है। यहाँ इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, उसका पूरा स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसी से रिफर करके उसको आराम से चला सकते हो, ठीक है। पूरा स्टेप दिया हुआ है, कैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सारी चीज यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चले जाते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग को इस प्रकार का लिंक देखने के लिए मिलेगा, turbocad.com/p/download.html। इसमें हम लोग को क्लिक कर देना है बस, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे एक नया विंडो खुलेगा, नए विंडो में हम लोग को पहले वाले लिंक में नहीं जाना है, यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड में चले जाना, ठीक है। डायरेक्ट डाउनलोड में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नया टैब खुल जा रहा है, ठीक है। तो इस टैब पे गूगल ड्राइव का लिंक खुलेगा और यहाँ पे हम लोग को चल जाना है ये वाले एरो वाले बटन पे, यहाँ से हम लोग करेंगे डाउनलोड, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे डाउनलोड, ठीक है। नीचे में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डाउनलोड हो रहा है, बहुत छोटा सा रहता है, 4-5 MB का होगा मुश्किल से, 4.7 MB का है, ठीक है। जहाँ पे डाउनलोड हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग शो फोल्डर करके यहाँ खोल लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इस प्रकार का एक जिप फाइल दिखेगा, ये होती है जिप फाइल, ठीक है। ये कैसे खुलती है, ठीक है, ये ऐसे इस टाइप का बुक टाइप का दिखेगा। इस पे हम लोग को राइट क्लिक करना है, राइट माउस का राइट क्लिक करना है, ठीक है। और इस प्रकार के ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन में हम लोग को इस ऑप्शन पे चले जाना है, एब्स्ट्रैक्ट टू टर्बो C++ 3.0/ करके यहाँ पे दिखेगा, इसमें हम लोग कर लेंगे तो हम लोग को एक फोल्डर मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। इसके अंदर क्या जिप फाइल बनी होती है, मतलब कंप्रेस किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप दिखेगा, ठीक है। ये सेटअप हम लोग को दिख रहा है, इस पे हम लोग को क्या करना है, डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। डबल क्लिक करके हम लोग ओपन कर लेंगे इसको,
और मैं अभी इंस्टॉल कर लिया हूँ तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। मैं अभी फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा हट जाता है पहले की चीज़ें, ठीक है। बार बार इसको इंस्टॉल करोगे तो नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट 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 करते जाओगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे ही इंस्टॉल होगा हम लोग को स्टार्ट मेनू में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे जाके खोज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लो टर्बो, ठीक है, सिर्फ टर्बो लिखोगे तो आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। इस आइकन पे हम लोग को क्लिक करना है, या तो हम लोग के डेस्कटॉप पे भी आइकन बन जाता है, डेस्कटॉप में भी देखोगे तो इस प्रकार का आइकन दिखेगा ये, ठीक है, ये आइकन हम लोग को दिखेगा, इस पर डबल क्लिक करना है और ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरी ब्लू स्क्रीन एक हम लोग को मिल जाती है इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की स्क्रीन हम लोग को दिख जाएगी, फाइल एडिट मेनू सब चीज यहाँ पे दिखेगा, पूरा मेनू यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, ठीक है, क्लियर। ये आ गया, इसका मतलब सक्सेसफुली हम लोग के कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि मोबाइल में कैसे करते हैं, ठीक है। मोबाइल के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मोबाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसको भी कैसे प्ले स्टोर पे हम लोग करते हैं। ठीक है, ये मैं मोबाइल का स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ। और सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लिए, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर है ये, और यहाँ पे टाइप करना है टर्बो सी डॉट, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा टर्बो सी डॉट, इसको हम लोग टाइप करके खोल लेंगे, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे मैं अभी डाउनलोड करके रखा हूँ तो यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इस टाइप का ओपन वाला ऑप्शन आएगा, ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का ओपन हो गया। तो मोबाइल में और कंप्यूटर में दोनों एक ही टाइप का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को और अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, हम लोग को कुछ और बटन वटन दबाने की जरूरत नहीं होती, ओपन कंपाइल रन कीबोर्ड सब यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ देखते हैं हम लोग ओपन कंपाइल सब चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे मोबाइल में भी चला सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं तो हम लोग कुछ इस प्रकार की डॉटेड डॉटेड यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, थोड़ा झिलमिलाता हुआ दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को स्टेप नंबर वन में फाइल में चले जाना है और न्यू करना है यहाँ, ठीक है, न्यू पे क्लिक कर देना है तो हम लोग को इस प्रकार की ब्लू कलर की स्क्रीन देखने मिल जाएगी, ठीक है। स्क्रीन अभी आधी स्क्रीन दिखेगी यहाँ, पूरा नहीं आएगा, फुल नहीं आएगा, ठीक है। फुल करने के लिए यहाँ पे वन दिख रहा है, वन के बगल में एक छोटा सा एरो दिख रहा है, इससे हमारा जो ब्लू कलर की स्क्रीन है फुल स्क्रीन में आ जाएगी, ठीक है, इसको हम लोग फुल कर लेंगे, ठीक है, पूरा स्क्रीन ब्लू हो गया अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसको मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए होंगे या फिर थोड़ा लेट एडमिशन लिए होंगे सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हैश इंक्लूड, जो अभी अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया है उसी को सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हैश इंक्लूड STDIO.h, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। एक और हम लोग हेडर फाइल को यहां पे ऐड करेंगे, इंक्लूड कॉन
io.h, ठीक है, दो हेडर फाइल हम लोग लिख रही है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, void main, ठीक है, स्पेलिंग गलती नहीं करना है, स्पेलिंग गलती करोगे तो रन नहीं होगा, ठीक है, स्पेलिंग हमेशा याद रखना है किसकी क्या है स्पेलिंग है और लिखते हैं कैसे है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये स्ट्रक्चर हर प्रोग्राम में हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बस हम लोग कहाँ पे चेंजेस करेंगे, इस void main के अंदर में, ठीक है। तो मैंने इसके पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था कि हेलो वर्ल्ड हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं अपने स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, एक प्रिंट फंक्शन लिए थे आप। अभी हम लोग को क्या करना है, स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसका लिख लेता हूँ कमेंट करके, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग के पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है, ठीक है, पहले से दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन, ठीक है, प्रिंट एफ हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार का हम लोग छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे और लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन, ठीक है। सेमी कॉलन हम लोग हर स्टेटमेंट के बाद लगाएंगे ताकि हम लोग का स्टेटमेंट जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो सके, ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट को यहाँ टर्मिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिखेंगे, या फिर डबल कोट्स बोलते हैं हम लोग इसको, डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी नई नई खरीदते हैं, नई बुक खरीदते हैं, तो उसमें ऐसे लिखते हैं ना, ओम नमः शिवाय या ओम गणेशाय नमः, ऐसा कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही जब भी हम लोग कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड, परंपरा है ये, ठीक है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा, और ये परंपरा आगे तक हर कोई निभाता है, ठीक है, वो इंडिया में ही नहीं दूसरे भी कंट्रीज में करते हैं वैसा, ठीक है, शुभ माना जाता है इसको एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एक आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट एफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिए, प्रिंट एफ, और उसके बाद ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में लिख लिए हेलो वर्ल्ड। इस डबल कोट्स के अंदर हम लोग कुछ भी लिख देंगे तो उठा के प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, ठीक है, प्रोग्राम पूरा टाइप हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में फाइल में जाके इसको सेव करेंगे, क्या करेंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे। सेव का शॉर्टकट होता है F2, सेव का शॉर्टकट होता है F2 में हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायलॉग बॉक्स खुल के मिलेगा, ठीक है, इसमें सेव फाइल एज ऐसा लिखा होगा, और यहाँ पे कुछ सेव फाइल एज करके हम लोग को पाथ दिख रहा होगा, ठीक है, सबको हटा देना है हम लोग को। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट सी, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, जो भी हम लोग को लगे, ठीक है, लेकिन हम लोग वही नाम देते हैं जो प्रोग्राम से रिलेटेड हो, ठीक है, प्रोग्राम से मिलता जुलता ही हम लोग नाम वहाँ डालेंगे, ताकि हम लोग बाद में कभी उस प्रोग्राम को देखना चाहे तो हम लोग को याद रहे कि क्या नाम हम लोग रखे थे, ठीक है, या ये नाम हो सकता है, ठीक है, ताकि हम लोग पहचान पाए कि क्या प्रोग्राम बनाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन डालेंगे .c हमारा एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोग यहाँ सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा .c, सभी फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जब भी हम लोग कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिर जो भी फाइल होती है, सबका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये बताता है कि वो फाइल किस टाइप की है। तो .c क्या बताएगा कि वो सी लैंग्वेज की एक फाइल है, ठीक है। तो .c हम लोग यहाँ लगा लेंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो सेव होगा लेकिन
वो कुछ और तरीके से सेव हो जाएगा, गलत तरीके से सेव होगा, ठीक है। तो हम लोग हमेशा यहाँ डॉट सी लिखेंगे। डॉट सी लिखने के बाद यहाँ ओके का बटन है, ओके के बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद यहाँ पे जो फाइल नेम हम लोग दिए वो यहाँ दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइल नेम दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप नंबर फोर में इसको हम लोग को कंपाइल करना है। कंपाइल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी अगर लिखने में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो वो हम लोग सुधार पाए, ठीक है। जैसे कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, सेमी कॉलन नहीं लिखे, ठीक है, या फिर यहाँ ब्रैकेट छूट गया, ठीक है, इस प्रकार की गलतियाँ यहाँ पे हम लोग को पता चलेगी, मतलब वो एरर खोजेगा इसमें, ठीक है। तो कंपाइल में हम लोग क्लिक करेंगे और सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कंपाइल। कंपाइल का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस F9, ठीक है। ऑल्ट और F9 को एक साथ दबाओगे तो कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे वो डायलॉग बॉक्स मिल रहा है कंपाइलिंग, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं लाइन कंपाइल 463, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ चार पांच ही लाइन लिखे हैं। 463 लाइन कहाँ से आ गई, क्योंकि हम लोग यहाँ हेडर फाइल को भी इंक्लूड किए हैं, stdio.h और conio.h, दो हेडर फाइल इंक्लूड किए, तो वो उसकी भी लाइन को कंपाइल करता है, वहाँ पे भी बहुत सारे कोड लिखे होंगे, ठीक है, उस लाइन को भी कंपाइल करेगा, तो उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम लोग को मतलब इस एरर से, एरर हमेशा जीरो होना चाहिए, अगर यहाँ 1, 2 कुछ भी एरर आ रहा है तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस बता रहा है, सक्सेस के बाद यहाँ प्रेस एनी की, मतलब कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, एरर हम लोग का जीरो है। अगर एक भी एरर आएगा तो ये प्रोग्राम रन नहीं होता है, ठीक है, अगर एक एरर भी आ गया तो रन नहीं होगा। अब मान यहाँ पे कोई एक एरर लेके आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाया, हटा दिया, ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन लगाया था मैंने, उसको हटा दिया, ठीक है। अब वापस से कंपाइल करता हूँ, इसको कंपाइल किया, ठीक है, अब देखो यहाँ दो एरर आने लग गया, ठीक है, एरर 2 दिखा रहा है और फाइल वहाँ पे भी 2 दिखा रहा है, मतलब दो एरर है हमारे प्रोग्राम में। क्या एरर है, ठीक है, यहाँ पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो पहले सक्सेस लिखा हुआ था, अब एरर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एरर को देखने के लिए प्रेस एनी की, ठीक है, कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर देना तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, ठीक है। एरर क्या लिखा हुआ है, एरर फाइल नेम है, ये फाइल नेम है हेलो डॉट सी, फाइल नेम है हमारा, ये लाइन नंबर है, जो 9 लिखा हुआ है वो क्या है, लाइन नंबर है, ठीक है। लाइन नंबर 9 में स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कोलन, ठीक है, मिसिंग सेमी कोलन, अभी मैंने सेमी कोलन यहाँ से हटा दिया था, ठीक है, तो वो बता रहा है कि ये सेमी कोलन वाला स्टेटमेंट जो है मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है, देखो ये लाइन आ गई है, ठीक है, इस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर दिखाएगा, ठीक है। तो हम लोग को समझ जाना है कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कोलन हम लोग लगा देंगे, इसको वापस से सेव कर लेंगे, ठीक है। जितने बार हम लोग इस कोड में चेंज करते जाएंगे, कुछ नया लाइन लिखेंगे, तो हर बार हम लोग को सेव करना है। तो हम लोग की आदत होनी चाहिए कि जब भी हम लोग कंपाइल करें उसके पहले सेव करें, ठीक है। सेव करने के बाद इस टाइप को पूछेगा डेट टाइम ऑफ डिस्क फाइल हैज चेंज, इसको हमेशा यस करना है, ठीक है, और यहाँ कंपाइल करना है, ठीक है। तो जितने बार कंपाइल करोगे उसके पहले हमेशा सेव करना है, ठीक है। कंपाइल कर लिए, एरर हट गया, यहाँ पे सक्सेस दिखाया, प्रेस एनी की हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रेस एनी की हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, और मैंने प्रेस किया। देन उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या होगा, प्रोग्राम को रन करना है। तो रन मेनू में हम लोग चल जाएंगे और सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को दिखेगा रन। रन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस बता रहा है, यस करेंगे और यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार ब्लिंक कर रहा है और हट जा रहा है, ठीक है।
आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख रही, तो आउटपुट स्क्रीन दिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में लिख देंगे गेट सी एच, ठीक है, इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर, ठीक है। तो जब तक कोई स्क्रीन से इनपुट नहीं ले लेगा, कोई भी कैरेक्टर हम लोग को इनपुट देना पड़ेगा, तब तक आउटपुट स्क्रीन रुकी रहेगी, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ वापस से, Alt plus F9 दबाया मैंने और यहाँ पे कुछ एरर आ गया। अच्छा सेंड सर, गेट सी एच लास्ट में लिखना है क्या, ही पहले लिखना है? क्या बोल रहे हो, गेट सी एच अभी जो आप लिखे हो पहले लिखना है कि बाद में लिखना है? नहीं, सबसे लास्ट लाइन रहेगा, सबसे लास्ट लाइन रहेगा, ठीक है, ये सबसे लास्ट है, मतलब ये ब्रैकेट है उसके जस्ट पहले लिखना है, मतलब सबसे लास्ट लाइन पे होगा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम करने के बाद गेट वो लिखना है, गेट सी एच, हाँ, ये इस ब्रैकेट के पहले लिखना है, इसके बाद लिख दोगे तो कोई मतलब का नहीं है वो, जी ठीक है। देन इसके बाद फिर से इसको सेव कर लेंगे, ठीक है, सेव कर दिए, कंपाइल इसको किए, कंपाइल में कोई एरर नहीं आया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं रन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने 4-5 बार यहाँ पे रन कर दिया था तो आउटपुट भी उतने बार ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग का आउटपुट कितने बार दिखना चाहिए, एक ही बार दिखना चाहिए, क्योंकि मैंने एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, ठीक है। मतलब हम लोग का प्रीवियस स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, जो आउटपुट में हम लोग को प्रीवियस आउटपुट भी जो दिख रहा है, पहले का आउटपुट, वो सारे हट जाने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, clrscr, क्लियर स्क्रीन, ठीक है, क्लियर स्क्रीन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पहले का आउटपुट होगा वो हट जाएगा और फ्रेश एक नया स्क्रीन हम लोग को मिलेगा। तो मैं इसको करता हूँ सेव, फिर इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल में कोई एरर नहीं आया, फिर इसको करते हैं रन, ठीक है, अब एक ही बार आ रहा है। तो ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन जो दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, ठीक है। यहीं से हम लोग इनपुट लेते हैं, यहीं से हम लोग आउटपुट देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे जो प्रोग्राम में कोई भी प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं होगा तो उस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर वो कोई आउटपुट देगा ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, आया समझ में? क्योंकि स्क्रीन में क्या देखोगे, स्क्रीन में क्या देखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, आया समझ में? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, कैसे लिखते हैं, कहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, अच्छे से इसको जान लो, रट लो, ठीक है, घोट के इसको पी जाओ, तो आधी रात को भी अगर उठा दे तो ये स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, समझ गए? किसी कोई दिक्कत, कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है तो पूछ लो। No, sir. ये सर हमेशा काम आएगा सर, ये भी? हाँ, हर प्रोग्राम में काम आएगा, हर प्रोग्राम में काम आएगा, हर प्रोग्राम। सर, फाइल एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे? क्या जी? फाइल से एग्जिट होने के लिए क्या करना होगा? बता रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया सक्सेसफुली, सब प्रोग्राम रन वन करके आउटपुट सब देख लिए हम लोग, ठीक है। अब इसको अगर बंद करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, फाइल में चले जाएंगे और क्विट कर देंगे, ठीक है, क्विट कर देंगे। उसके बाद इस प्रकार का ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखेगी हम लोग को, ठीक है। इस स्क्रीन में हम लोग लिख देंगे एग्जिट, EXIT, ठीक है, उसके बाद कर देंगे एंटर, तो स्क्रीन बंद हो जाएगी, आया समझ में? यस सर, ठीक है, यस सर।